वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। आज हम रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे आयतों की गिनती। हमारा टॉपिक चल रहा है आकृतियों की गिनती और हमने इसमें त्रिभुजों की गिनती और वर्गों की गिनती तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे किसकी? आयतों की गिनती। तो हेडिंग लगाओ आयतों की गिनती। आयतों की गिनती। देखो आयतों की गिनती में सबसे पहले देखो ये क्या है, एक मैंने एक डायग्राम बना दिया, ध्यान से देखना इस डायग्राम को। वर्ग एक आयत होता है कि नहीं तो बताओ? होता है ना। देखो आप ध्यान से इस बात को समझना। सबसे पहले ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, पहला आप ध्यान से देखना इसके अंदर वन और ये क्या है टू, फिर वन और ये टू। आप बताओ कि इनका इधर तक योग कितना है इसका सबका? ऐसे अगर हम ऐसे चले आगे तो इसका योग कितना है? तीन होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम ऐसे चलें पंक्तियों में और ऐसे चलें स्तंभ में तो पंक्तियों का योग कितना है? वन प्लस टू तीन, और मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, वन प्लस में टू कितना है तीन। तो इसके अंदर कितनी आयत होंगी बताओ? नौ आयत होंगी। कितनी आयत होंगी? जो केवल आयत है ना वो कितनी है इसमें? केवल आयत, देखो मैं आपको काउंट करके बता रहा हूं, केवल आयत कितनी है ध्यान से देखना। आप यहां पर ध्यान से देखना, ये क्या है, एक आयत हो गई ना, एक आयत हो गई कि नहीं होगी बताओ? और ये कितनी आयत हो गई? दो आयत हो गई। ये वाली कितनी आयत हो गई? ये वाली तीन। और ये वाली कितनी आयत हो जाएंगी? ये वाली चार। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है? तो चार आयत है इसके अंदर, केवल आयत जो है वो चार है। केवल जो आयत है वो कितनी है? चार है। कितनी है? केवल चार आयत। और वर्ग कितने हैं ये बताओ मुझे आप? वर्ग कितने हैं? पांच। तो यानी वर्ग भी आयत होते हैं। हमने आयत का सीखा कि इस तरीके से योग नौ तीन और इस तरीके से योग तीन, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे नौ। तो इसमें केवल आयत कितनी है? चार। और वर्ग वाली आयत कितनी है? तो बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? तो आप अगले उस पर देखना पॉइंट पर क्या होगा। सेकेंड पॉइंट देखो, ध्यान दो यहां पर। इसे बताओ कितनी आयत है? वन टू थ्री, वन टू और थ्री, सबका टोटल बताओ कितना है? तीन दो पांच और एक छ, तीन दो पांच और एक छ। अगर मैं छ को छ से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनी आयत हो जाएंगी? छत्तीस। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप मुझे बताना, मैं आपको काउंट करके बता रहा हूं दो मिनट के लिए, ध्यान से सुनना। आप ये बताओ इसके अंदर वर्ग कितने हैं? देखो तीन तीन नौ, दो दो चार, तेरह और एक चौदह। तो चौदह इसमें क्या है? चौदह तो वर्ग हो गई, वर्ग वाली आयत हो गई। और बीस बाईस क्या हो गई? केवल आयत हो गई, केवल आयत। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे इस बात को आप? अब आप देखना, मैं आपको केवल 22 आयत बता रहा हूँ कैसे होंगी। देखो मैं आपको इसके अंदर क्या है काउंट करके बता रहा हूँ। काउंट कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, ये 22 आयत कैसे काउंट करेंगे
वर्ग तो पता लग गया ना आपको क्या है वर्ग, कैसे हैं ये 22, सॉरी ये 14 वर्ग कैसे हैं ये। देखो मैं आपको वर्ग भी काउंट करके बता रहा हूँ इसके अंदर। देखो एक वर्ग, अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं आप हटा दो यहाँ पर, है ना, मैं आपको पूरा काउंट करके बता रहा हूँ कि 36 कैसे होगा। आपको काउंट भी ओरल भी तो काउंट करना आना चाहिए ना, एक ट्रिक तो अपन हर जगह काम कर रही है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन हर जगह हर क्वेश्चन में ट्रिक काम नहीं करेगी। इस क्वेश्चन में ट्रिक हमेशा काम करेगी ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन हर जगह काम नहीं करेगी हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 वर्ग तो वैसे ही है इसमें। अब आप देखना 9 वर्ग हो गए ना, और एक वर्ग तो इसमें ये हो गया, हो गए कि नहीं हो गए, एक वर्ग इसमें ये हो गया, कितने वर्ग हो गए बताओ, 11 हो गए, एक वर्ग ये हो गया इसमें 12 हो गया ना, और एक वर्ग इसमें क्या हो गया 13 हो गया, और एक पूरा वर्ग तो 14 वर्ग। मैंने आपको काउंट करके बता दिया 14 कैसे होते हैं, बात आगे कि नहीं आगे समझ में। तो 14 वर्ग तो ये हो गए, ठीक है। अब मैं आपको आयत करके बता रहा हूं, देखना आप ध्यान से सुनना इस आयत को। देखो ये एक आयत होती है कि नहीं होती बताओ, एक आयत यहां से, एक आयत ये दो आयत, और ऐसे ये एक तीन आयत, तीन इसमें, तीन इसमें छह, और तीन इसमें नौ हो गई। ऐसे ही तीन इसमें, इस वाले में और इस वाले में कितनी हो गई, समझ में आ गया नहीं आया, एक पूरी आयत 19 और एक पूरी आयत 20, एक पूरी आयत 21 और एक पूरी आयत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 22 आयत। तो 22 और 14 क्या है, 36 आयत होगी, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है। नहीं बेटी बात समझ में, ठीक है ना। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, उसमें 1, 2 और 3 है ना, 1, 2, 3 और 4 आप ऐसे इसको देखो, इनको इस तरीके से जोड़ो, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 इंटू 3, 2, 5 और 1, 6 कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, कितने जाएंगे 60। ये 60 वर्गों वाली आयत और केवल आयत मिलाकर 60 आयत है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कैसे होंगे ये, ध्यान से सुनना आप। पहली आयत तो ऐसे, एक आयत तो ये हो गई, ये वाली हो गई एक आयत, और एक आयत क्या हो गई, ये वाली हो गई, तो कितनी आयत होगी, दो, और एक पूरी आयत कितनी हो गई ये, तीन, 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और एक आयत ऐसे ये हो गई 25 है ना, और एक ये हो गई कितनी हो गई 26, फिर एक ये हो गई 27, एक ये हो जाएगी 28, एक ये हो जाएगी 29, और एक ये हो जाएगी 30। ऐसे ही एक ये हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी दोनों को मिलाकर, पूरी एक हो जाएगी 31, पूरी एक हो जाएगी ये 32, फिर पूरी एक ये 33, फिर ऐसे ये 34, फिर ऐसे ये मिलाकर कुल मिलाकर कितनी हो जाएंगी, टोटल 60 हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अंदर वर्ग और आ जाएंगे, है ना, वर्ग तो पता ही है आपको, 4 3 12, 2 2 4, 2 1 2, 2 और 4 6 और 4 3 12 और 16 हो जाएंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर 36 और 16 कितनी हो जाएंगी, 24 कितनी हो जाएंगी, 60, क्लियर है ना। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th में देखना कैसे करेंगे उस क्वेश्चन नंबर 4th को, आप ध्यान से देखना। ये एक डायग्राम मैं आपको यहां पर बना रहा हूं, ये देखना, इसके अंदर आपको बनाना है कितनी आयत है, इसके अंदर ध्यान से सुनना, इसके अंदर कितनी आयत है। मैंने कहा ना एक आयत तो ये हो जाएगी इसके अंदर, और एक आयत ये हो जाएगी इसके अंदर दो, एक आयत ये हो जाएगी तीन, और एक आयत ये हो जाएगी चार, कितनी हो गई आयत, ये 4 हो गई ना। आगे देखना ये एक आयत कितनी हो जाएगी, 5, 5 जाएगी
एक आयत ये हो जाएगी छ, छ हो जाएगी ना। आगे देखना, देखो एक दो तीन चार पांच छ और एक ये सात और ये आठ, आठ तो वैसे ही काउंट हो रही है इसके अंदर पूरी पूरी जो है ये। अगर ये लाइन नहीं हो और ये लाइन नहीं हो तो आठ हो रही है। देखो एक दो तीन चार, चार हो गई और एक पूरी है पांच हो गई, पांच हो गई ना, पूरी है छह, पूरी है सात, पूरी है आठ और पूरी है नौ, एक कंप्लीट मिलाकर क्या है नौ, तो वैसे ही हो रही है। अब मैंने ये लाइन अगर खींच दी, इससे देखना कितनी आयत बन जाएंगी। एक तो ये बन जाएगी, एक आयत बन जाएगी, नहीं बन जाएगी बताओ, बन जाएगी ना। एक आयत तो ये बन गई और दूसरी ये बन गई, तीसरी ये बन गई, तीन आयत बन गई कि नहीं बन गई, 12 हो गई, हो गई ना 12। अगर ये लाइन में इसमें बना दूं ये वाली, ये लाइन एक ये दो ये और कौन सी, तीन आयत ये हो जाएंगी, हो जाएंगी नहीं जाएंगी बताओ भाई। एक दो और पूरी है तीन, हो गई तीन, ये हो गई। और बताओ आप कौन सी आयत इसके अंदर, और कोई दिख रही है आयत इसके अंदर? वर्ग भी एक आयत होती है ना, मैंने बता दिया आपको पहले ही। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ पूरी नौ, और इससे कोई भी आयत और नहीं बनेगी। कुल मिलाकर कितनी आयत बन जाएंगी इसके अंदर? 15 आयत बन जाएंगी। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 5th देखो, क्वेश्चन नंबर 5th ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या होगा? इसके अंदर बताना आपको कितनी आयतें होंगी, इसके अंदर आपको ये बताना है कि इसके अंदर कितनी आयतें होंगी। तो ध्यान से देखो काउंट कैसे काउंट करेंगे इसको, आप देखना पहले। एक तो रेक्टेंगल ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल यहां से बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा बता दो। एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, 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 एक ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है। आप देखना, आप ध्यान से सुनना इस बात को कि इसके अंदर कितनी रेक्टेंगल होंगी। तो मैं आपको काउंट करके बता रहा हूं, वन टू और थ्री, वन टू थ्री और फोर, और ये क्या है फाइव। तो देखो पांच चार नौ और तीन 12 और दो 14 और एक 15, इनका योग तो 15 हो गया। इनका योग कितना हो गया? 6 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा? 90। और कोई आयत बन रही है क्या बताओ? एक पूरी रेक्टेंगल ये और बनेगी, तो याद रखना आप इसको, कितनी हो गई है बताओ? प्लस में एक कितनी हो गई? 91। और कोई इससे, इस लाइन से या इस लाइन से देखो, और कोई रेक्टेंगल बन रही है क्या? तो कुल मिलाकर कितनी आयत बन जाएंगी? 91 आयत बन जाएंगी। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना।
इसके अंदर बताना आपको, इस चित्र के अंदर बताना है कितनी आयत बनेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर कितनी आयत बननी चाहिए। मैंने आपको इस डायग्राम बार बार आपको बता रखे हैं कि इनके अंदर कितनी कैसे आकृति बनेगी। बता रखे नहीं बता रखे तो बताओ, बता रखे ना। आप काउंट करो इसको, आप इसको काउंट करो कितनी बनेंगी। देखो एक दो तीन चार पांच तो इसमें हो गई, पांच तो इसमें हो गई, पांच इसमें हो जाएंगी, पांच इसमें हो जाएंगी, पूरे में पांच इसमें हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी, 20 तो वर्ग वाली आयत हो गई अभी तक फिलहाल, है ना। हो गई कि नहीं हो गई बताओ, हो गई ना। अब देखो 1 2 3 और ये क्या है 4, 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 1 10, 2 1 3 3 6 और 4 10, तो 10 को 10 से और मल्टीप्लाई कर लो 100 हो गई। तो 100 और 20 कितने हो जाएंगे 120। तो आप बताओ ये 120 आयत टोटल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 7 में आप मुझे ये बताओ। सबसे पहले तो इधर की बात अगर मैं करूं, इधर से इधर इधर की बात करनी है आपको, इधर किधर की, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, पहले इसमें और लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और, तो 12 आयत तो वैसे ही है ना इसके अंदर, 12 आयत तो वैसे ही है। आप इससे देखना पहले, आप पूरी एक आयत बताओ ये बन रही है कि नहीं बन रही है पूरी। ये देखो आप पूरी एक आयत बन रही है कि नहीं बन रही है बताओ, बन रही है ना पूरी एक आयत। और ये वाली आयत देखना पूरी एक आयत बन रही है कि नहीं बन रही बताओ, दो आयत तो ये हो गई, हो गई ना। आप ये देखो पूरी एक आयत है ना, बन रही ना, फिर ये पूरी वाली दो आयत, दो आयत बन रही ना, बन रही कि नहीं बन रही बताओ ना। पूरी एक आयत, पूरी दो आयत और पूरी फिर ये तीन आयत। आप देखना इस वाली को देखना, ये वाली चार आयत और ये वाली आयत पांच आयत। आप बताओ पांच और पांच नीचे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे बताओ, पांच आयत पूरी नीचे बनेंगी कि नहीं बनेंगी, हाँ या ना, बन जाएंगी ना। कितनी हो जाएंगी बताओ, 10 ही हो गई। कितनी हो गई है, 10 आयत बन जाएंगी नहीं बन जाएंगी। आप देखना यहां से यहां तक पूरी एक आयत ये बन रही है कि नहीं बन रही बताओ, बन रही है एक आयत। ये पूरी तो मैं काउंट कर चुका हूं ना, है ना। ये देखना एक आयत ये बन रही है, एक आयत ये बन रही है और एक आयत दो ये बन रही है, बन रही है दो। आप बताओ ये वाली तीन बन रही है कि नहीं बन रही है, तीन बन रही है ना। और ये वाली चार बन रही है कि नहीं बन रही है बताओ, बन रही है ना। और यहां से देखना ये वाली पांच बन रही है कि नहीं बन रही है बताओ, यहां से ये वाली छह बन रही है कि नहीं बन रही है बताओ, और यहां से ये वाली सात बन रही है कि नहीं बन रही है बताओ, है ना। यहां से ये वाली आठ बन रही है कि नहीं बन रही है ये बताओ, यहां से ये वाली पूरी ये वाली नौ बन रही है कि नहीं बन रही है बताओ, यहां से ये वाली देखना ये वाली पूरी दस बन रही है कि नहीं बन रही है बताओ, बन रही है। फिर यहां से आप देखो यहां से यहां ये वाली ग्यारह बन रही है कि नहीं बन रही है बताओ, है ना। कितनी बन रही है, ग्यारह बन गई, ग्यारह और एड कर दो इसमें आप, कितनी हो गई 12 8 10 22 और 11 कितने आ रहे हैं, 33 आ रही है कि बताओ, आ रही है कि नहीं आ रही, 33 बताओ, आ रही है 33। दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तो ये बन रही है इसके अंदर, 10 कौन सी बन रही है देखो, एक तो ये बन रही है ऊपर, एक ये बन गई और दो ये बन रही है क्या, है ना। और पूरी ये तीन, आप देखना पूरी ये कितनी बन रही है, चार बन रही है ना, है ना। और पूरी एक ये कितनी बन रही है, पूरी पांच बन रही है कि नहीं बन रही है बताओ, बन रही है ना। और पूरी इसमें पांच इसमें बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बताओ, तो कितनी हो गई कुल मिलाकर, ये 10 ये हो गई। हमें 11 और गिननी है, ठीक है। 11 कैसे काउंट करेंगे ध्यान से देखो एक बार, आप इस लाइन से देखो, इस लाइन से पहले
आप ये वाली तो पूरी काउंट कर चुके हैं, ये वाली देखना आप, एक तो ये बन गई इससे तीन, इस लाइन से देखना आप, इस लाइन से ये कितनी बन गई, तीन, यानी एक बन गई ना ये वाली, वो तो हमने काउंट कर ली। इसी लाइन से देखना आप क्या बन गई, दो, और इसी लाइन से देखना ये कितनी बन गई, तीन, इस लाइन से देखना ये कितनी बन गई, चार। बन गई कि नहीं बन गई बताओ, चार। अब इस लाइन से देखना आप, इस लाइन से एक लाइन तो ये बन गई ये वाली एक, चार पांच, ये वाली छः, ये वाली सात, और ये वाली आठ। अब आप कौन सी लाइन से देखना, इसे देखना, इस वाली से, इस लाइन से, एक तो ये बन जाएगी है ना, और एक ये नौ, और एक बार ये वाली दस। अब इस लाइन से देखना, ये वाली एक और बनेगी बस, ग्यारह। तो ग्यारह समझ में आ गई कैसे बनी, इस लाइन से काउंट करना सारी, ये तो हमने काउंट कर चुके हैं इस लाइन से, तो ये वाली, ये तो काउंट ही कर चुके हैं, ठीक है। तो ग्यारह ये बन जाएंगी, कितनी जाएंगी टोटल कुल मिलाकर, तैंतीस। इसका ऑप्शन तैंतीस आना चाहिए, ठीक है आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर एट, ध्यान से देखना, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छ, छ तो वैसे ही बन रही है इसमें, छ वैसे ही बन रही है ना। आप एक देखो ये वाली बन रही है कि नहीं बन रही है, एक बन रही है ना, एक ये बन रही है देखो, दो ये बन गई ना। अब आप देखना आगे, एक इस लाइन से देखना, एक तो ये तो काउंट कर ही ली, अब इसी लाइन से देखना, एक तो ये बन रही है, इसी लाइन से देखना, इसी से एक ये बन रही है, दो इसी से देखना, इसी से एक लाइन ये तीन ये बन रही है, तीन बन गई। अब इस लाइन से देखना, एक ये बन रही है, एक दो ये बन रही है, बन रही है दो ये हो गई। अब इससे देखना, एक ये हो गई है ना, और इस लाइन से हमने काउंट कर ही ली थी, छः दो आठ तीन ग्यारह, तो तेरह एक चौदह आ रहेगा ऑप्शन में, क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नाइन, ध्यान से देखना इसके अंदर, एक तो ये बन रही है बताओ ये वाली, एक और एक दो ये, एक और एक दो ये बन रही है, इस लाइन से देखना, एक और एक दो, और पूरा क्या है बताओ, ये तीन, तीन इसमें बनेगी कि नहीं बनेगी, एक और एक, एक और एक दो, और एक पूरा तीन। फिर इससे देखना पूरा कितना बनेगा, एक और एक दो, और एक पूरा ये तीन। आगे देखना आप, आगे देखना, इससे देखना, इससे एक तो पूरी काउंट हो गई थी, बताओ है ना, ये वाली काउंट हो गई कि एक, और एक ये इससे देखना ये दो, और एक पूरी है तीन, तीन इससे तीन से कितनी हो जाएंगी, छह हो जाएंगे। तो अब आप आगे देखना, अब आप आगे देखना, एक पूरी काउंट करो, ये वाली पूरी काउंट कर सकते हैं ना, एक बताओ पूरी ये बन रही कि नहीं बन रही, ये वाली वर्ग भी आयत होती है ना, एक ये बन गई, तीन तीन दून छः, तीन तीन नौ, तीन चौक बारह, तीन पाँच पंद्रह, और सत्रह हो गई, सत्रह हो गई ना। अब आप आगे और देखना, ये तुमने काउंट कर ही ली थी ये वाली तो, हाँ और देखो कहाँ बन रही है, ये वाली, ये तो हो गई ना काउंट, इससे देखो एक तो ये बन गई इसमें ना, और एक ये बन गई दो, और पूरी तीन हो गई, तीन इससे हो गई ये वाली, और तीन इस लाइन से हो गई, और तीन इससे हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। अब आप देखना, इस लाइन से तो हो गई है, इस लाइन से देखना, इसमें दो ही तो लाइन है ये वाली, तो एक तो पूरी ये वाली हो जाएगी एक, और एक पूरी ये वाली हो जाएगी दो, और एक पूरी तीन ये, और तीन नीचे हो गई,
छह हो गए ना, और एक पूरी बताओ कौन सी। एक तो पूरी ये हो गई, तो एक पूरी ये काउंट कर लिया हमने, और एक किसे बन गई, एक पूरी काउंट ये हो गई। और देखो कौन सी बच रही है, ये वाली, एक ऊपर वाली भी काउंट हो गई, ये वाली, एक ये वाली हो गई, और फिर एक ये वाली हो गई, दो हो गई ना ये, तो दो और बन गई इसमें, ठीक है। और एक तो ये वाली हो गई, एक तो ये वाली हो गई, देखो दोबारा देखो एक बार से, एक तो ये वाली हो गई थी ना इसमें, ये वाली एक, और एक ये वाली है ना, दो हो गए ना ये, तीन तीन छः नौ, तीन बारह, तीन पंद्रह, सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बनेगी भाई इसमें, उन्नीस। अब देखो क्वेश्चन नंबर दस, देखो इसके अंदर कितनी आयत बन रही है, दो तो ये बन रही है ना, दो तो ये हो गई, एक पूरी ये हो गई, तीन इसके अंदर तीन बनेगी, एक ये हो गई पूरी चार, और एक पूरी ये वाली पांच, और एक पूरी बाहर छः। आप चेक करो एक बार कितनी बन रही है, टोटल सात, छः बन रही है कि नहीं बन रही बताओ, टोटल कितनी बन रही है, छः, दो और एक तीन, एक चार, एक पांच, और एक ये छः। तो कुल मिलाकर कितनी आयत बनेंगी, कुल मिलाकर छः आयत बनेंगी, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं।